हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इथन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पुराने टाइम में जब लोग किसी कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना होता तो लोग जो है नोट पैड या किसी डायरी में लिख कर रखते थे अपने पास। जब भी उन्हें किसी को कॉल करना होता तो वो डायरी खोलते थे, नोट पैड को खोल कर कॉल करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से स्मार्टफोन हो गया, डिजिटल का जमाना हो गया, हर कोई अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो सारे के सारे अपने फ़ोन में सेव करते हैं। लेकिन ऐसे केस में अगर मान लीजिए फ़ोन ख़राब हो जाए या खो जाए या चोरी हो जाए, ऐसे केस में हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो हमें मिल नहीं पाते और हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई ऐसा भी तरीका है कि हम हमारे जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनको ऑनलाइन सेव कर सके? जी हाँ गाइस, ऐसा भी ऑनलाइन तरीका है ऐसा कि हमारे जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है हम उन्हें वहाँ पे सेव कर सकते हैं और कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, जीमेल आईडी के अंदर अपने ऑनलाइन नंबरों को सेव कर सकते हैं और कभी भी हम वहाँ से एक्सेस करते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और सिखाता हूँ आपको कि आप अपने पर्सनल जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है किस तरीके से अपने जीमेल आईडी में सेव करेंगे और कहीं पे भी किसी भी जगह आप किसी भी मोबाइल में और किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अब अपनी ईमेल आईडी जब आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए हैं वो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं। हम सिंपली अपनी गूगल को ओपन करेंगे और कोई भी ईमेल आईडी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, गूगल पे हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे gmail.com। लिखने के बाद में गाइस इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा और ये जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो उसके मैसेजेस वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी आप आते हैं वो आपके शो होने लगेंगे। तो गाइस यहाँ पे चार ऑप्शन देख रहे हो आप, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, कैलेंडर का, ठीक है, ये कीप और ये टास्क का ऑप्शन और यहाँ पे आप ये देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप सिंपली जाएंगे। ठीक है, मैंने 111 कॉन्टैक्ट गाइस यहाँ पे सेव कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे अपना ओपन इन न्यू टैब पे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, दूसरा पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन बना हुआ है, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये क्रिएट अ कॉन्टैक्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें जिस भी पर्सन का नंबर यहाँ पे सेव करना है हम उसके यहाँ पे प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना ही नेम लिख दिया। अगर लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम लगा सकते हो। अगर आप किसी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहे हो तो आप कंपनी का नेम लिख सकते हो, जॉब टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी डाल सकते हो। ओके, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद में आप लास्ट नेम ये सब जो है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे जो भी आप फ़ोन नंबर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके डाल देता हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर में आपको कॉन्टैक्ट नहीं दिखा रहा, आप जो भी अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में सो मोर पे आएंगे, आप यहाँ पे और भी चीज़ें, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली सेव का बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर ये सेव हो चुका है। आप जब भी अपनी ईमेल आईडी किसी भी मोबाइल में या डेस्कटॉप में आप जब ओपन करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट आपको सिंपली इजी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मेरे 111 थे। ठीक है, ये देखिए गाइस ये 112 हो चुके हैं। ओके, इसी तरीके से गाइस आपको अपनी जीमेल आईडी में कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना है। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर को किस तरीके से आप जीमेल आईडी में सेव करते हैं। तो गाइस, अगर इसी तरीके की आपको टेक्स्ट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे से ज़्यादा अटैच होना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।